इस अस्तित्व में अकारण कुछ होता ही नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिर्फ यह हो सकता है कि आपको पता न हो कि आपने कुछ किया होगा। इसका कारण आप हैं, हो सकता है इसका आपको पता न हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने आज कुछ न किया हो, कभी और किया होगा, लेकिन किया जरूर होगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि मेरी यह बात आपकी समझ में ना आए, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी गहरी समझ, एक अंतर्दृष्टि चाहिए। तो फिर मैं आपकी बात मान भी लेता हूं कि आपने कुछ नहीं किया है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा या आपको दुख पहुंचा रहा है, तो प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति हो तो भी आप कुछ करने के चक्कर में ना पड़े, आप सिर्फ साक्षी बने रहने की चेष्टा करें, यानी किसी प्रकार के कर्म में मत उलझो, सिर्फ दृष्टा बन जाओ, देखने वाले बन जाओ, और सौभाग्य समझो कि तुम्हें एक अवसर मिल गया है ऐसी परिस्थिति में भी अछूते रहने का, ऐसी परिस्थिति में भी कुछ ना करने का, ऐसी परिस्थिति में भी साक्षी बने रहने का एक अवसर अस्तित्व ने तुम्हें दिया है। अगर इस अवसर का लाभ उठा लोगे तो यह अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी साधना होगी, आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने वाली साधना होगी। और 24 घंटे के जीवन में जब भी इस तरह की परिस्थितियां आए, साक्षी बने रहो, सिर्फ देखने वाले हो जाओ, कुछ ना करने की अवस्था में हो जाओ। और इस बात को याद रखो कि जो भी तुम करने की चेष्टा करोगे या जो कुछ भी तुम करोगे वह अनुचित होगा, अंततः आपको उस करने से कुछ न कुछ हानि ही होगी, आपको पछताना ही पड़ेगा, आपको दुखी ही होना पड़ेगा, आपका दुख बढ़ता ही जाएगा। ऐसा अवसर आ जाए तो कभी चूक मत जाना, सिर्फ देखते ही रहना, सिर्फ अछूते बने रहना, सिर्फ साक्षी बने रहना, ऐसे बने रहना जैसे किसी और के साथ किया जा रहा है, आपके साथ कुछ किया ही नहीं जा रहा है। As if nothing is being done to you and whatever is being done, that is being done to somebody else. दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, कोई आपसे नाराज हो, कोई आपको गाली दे, तो इसके प्रत्युत्तर में अगर आप नाराज होते हैं, गाली देते हैं, क्रोध करते हैं, तो उस क्रोध करने से आपको ही नुकसान होगा, उस क्रोध का जहर आपके शरीर में ही फैलेगा, और जब क्रोध का जहर शरीर में फैलेगा तो आपको क्षति पहुंचाएगा, आपको निश्चित रूप से दुष्प्रभावित करेगा, आपको निश्चित रूप से मारेगा। आज आपके खून का परीक्षण करके यह आसानी से बताया जा सकता है कि जिस समय आपके खून का परीक्षण किया गया उस समय आप गुस्से में थे अथवा नहीं थे। यानी जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके खून का रसायन बदल जाता है, उसमें जहर फैल जाता है, और जब आप जहर पिएंगे तो आप ही मरेंगे, वो नहीं मरेगा जिस पर आप क्रोध करेंगे। इसलिए नाराज होना, क्रोध करना कोई समाधान नहीं है, इससे आपका ही नुकसान होगा, आपको ही चोट पहुंचेगी। इस संबंध में तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर साक्षी बने रह पाना आपके लिए संभव नहीं है तो पहले से कुछ तय ना करें, सब कुछ उस समय के लिए छोड़ दें जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो। उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पहले से निर्धारित नहीं करना है, तय नहीं करना है, उसे छोड़ देना है परमात्मा पर, अस्तित्व पर। जो भी अस्तित्व करवाए, जो भी परमात्मा करवाए, वो उसी क्षण निर्णय लेके कर देना है। उस समय कर्ता नहीं बनना है, सिर्फ अस्तित्व का, परमात्मा का निमित्र बन जाना है, माध्यम बन जाना है। उस समय अस्तित्व जो भी करवाए हो जाने दो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप
निमित्त बन जाते हैं, स्वयं को माध्यम बना लेते हैं और क्षण जो अस्तित्व करवाता है उसे होने देते हैं, तो यह निमित्त मात्र बन जाना साक्षी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। करता नहीं, निमित्त बन जाना, माध्यम बन जाना साक्षित्व को साधने का शक्तिशाली उपाय। अंत में कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सभी समस्याओं के समाधान का महासूत्र है साक्षी भाव में जीना। इसलिए इस संबंध में यही निष्कर्ष लेना उचित होगा, इफ समवन हर्ट्स यू डू नॉट हर्ट बैक। थैंक यू।